हाय गाइस, वेलकम टू द कार्डिनली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी बंदे का मोबाइल की स्क्रीन को अपने मोबाइल में कैसे दे सकते हैं। मतलब वो जो भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कर रहे हैं वो आप अपने मोबाइल में कैसे दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मैथड आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी भी बंदे की मोबाइल की स्क्रीन अपने मोबाइल पर दे सकें तो आपने इस वीडियो को देखना है एंड तक। आपको लाइव दिखाई देगा कि यार हम देख सकते हैं या नहीं देखते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ कि यार आप किस तरीके से सब कुछ देख सकते हो। सो फ्रेंड, यहाँ पर दो मेरे पास मोबाइल हैं। एक मोबाइल को मैं यूज़ करूँगा, दूसरे मोबाइल पे वही सब कुछ आएगा जो हम कर एक स्क्रीन, मतलब जो भी मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो दूसरे मोबाइल पे शो हो रहा है। ठीक है, आप किसी मोबाइल को दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस मोबाइल पर, दूसरे मोबाइल में दे सकते हैं, वही स्क्रीन शो हो रही है जो मेरे मोबाइल पर शो हो रही है। तो ये कैसे मुमकिन है इस वीडियो में आपको बताने वाले। यहाँ पे अभी मैं मैसेज पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं मैसेज पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं उसी बंदे के, दूसरे बंदे के पास भी वही शो हो रहा है जो मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं यूट्यूब को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि यूट्यूब अगर मैं ओपन करता हूँ तो फिर उसी दूसरे बंदे के मोबाइल में यूट्यूब ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं कि सेम आ रहा है। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दोनों मेरे पास दो मोबाइल थे, एक में मैं क्लिक कर रहा था और दूसरे मोबाइल में वही स्क्रीन शो हो रही थी जो एक पहले वाले मोबाइल में हो रही थी। इससे क्या कर सकते हैं कि आप किस कहीं पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, किसी अदर कंट्री में बैठे हैं, तो आप किसी के भी मोबाइल में ये सब कुछ देख सकते हैं, वो भी बहुत ईजी मेथड से। तो उसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी। ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर इसको ईजिली से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने जिस ऐप को करना है यूज़, उसका लिंक आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने मोबाइल और की सेटिंग में जाना है, वहाँ पे आपको ऐप या एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने ऐप या एप्लीकेशन में से उसको फाइंड कर लेना है, जिसका नाम है एनी डेस्क। इसको आपने ओपन करना है। सबसे पहले आपने जो काम करना है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा, इसको आपने, ये आपके पास कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो आपने इसको अलाउ कर देना है। तो ये बात जो इंपॉर्टेंट है कि ये ऐप आपने अपने मोबाइल उस बंदे के मोबाइल में यूज़ करनी, डाउनलोड करनी है जिसका आप स्क्रीन देखना चाहते हैं, मतलब विक्टिम के मोबाइल में आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इसके जाके नोटिफिकेशन बंद कर देने हैं और आपने करना क्या कि आपने इसको कर लेना है ओपन। चलिए, जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्लिक वगैरह करके यहाँ पे आपसे वो कह रहा है, कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि विक्टिम के मोबाइल में आपने इसको डाउनलोड करना है और उसी में आपने सभी कुछ प्रोसेस करना है। चलिए, जैसे आप करेंगे यहाँ पे आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग्स का, आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक जनरल का ऑप्शन मिल रहा है, आपने जनरल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपसे वो कह रहा है सेटअप लेआउट, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। आपने इस पर यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोई भी डिजिट डाल देने, जैसा कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 53283 कुछ इस तरीके से। तो चलिए, यहाँ पे अभी ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, जो अभी मेरे पास नेट ऑफ है, इसको मैं नेट ऑन करता हूँ पहले। तो देख सकते हैं वो कह रहा है कि आर रेडी असाइन, तो आपने कोई मुफ्त लगाना है जो पहले कभी लान लगा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऐड कीजिएगा, ये देख सकते हैं ये भी ऐड है, तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। देख सकते हैं ये अवेलेबल है, तो आपने जो अवेलेबल है वो आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है और जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका काम हो चुका है खत्म। आपने बैक आ जाना है जनरल पे, जैसे आप जनरल पे आएंगे तो यहाँ पे आपने को आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सिक्योरिटी का, आपने सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। जैसे आप सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपने अलाउ ऑलवेज पे क्लिक कर देना है। चलिए, जैसे आप अलाउ ऑलवेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ओपन शो हो रहा है अनअटेंड सक्सेस, ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं सेट पासवर्ड फॉर अन जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपने विक्टिम के मोबाइल में इंस्टॉल करनी है और उसी में ये सब कुछ प्रोसेस आपने करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कोई ऐसा पासवर्ड डालना है जो एक्सेप्ट कर दे, मतलब यहाँ पे कोई डिजिट्स वगैरह, कोई नेम वगैरह, इस तरीके से आपने यहाँ पे डाल देना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ऐड डालना है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम डाल दीजिए। यहाँ पे मैं कोई नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ जी, कोई भी आप नाम डाल दीजिएगा। नाम डालने के बाद आपने करना क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी डिजिट वगैरह डाल देना है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, चलिए जी, ओके। बाद उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक वगैरह कर दीजिएगा, करना हो तो, नहीं तो आपके जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका काम हो चुका है ख़त्म। चलिए, यहाँ पे जो भी आपका ये देख सकते हैं ये आपके पास आ रहा है, ठीक है, अभी आपने काम, ये जो आपके पास आ रहा है ना यूर एड्रेस 54338, इसको आपने नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपने इसको अपने मोबाइल में ये ऐप आपने दोबारा डाउनलोड कर लेनी है और जैसे भी आप ये दोबारा ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है 54338 यहाँ पर आपने इसको पुट कर देना है। और जैसे आप पुट करेंगे ये आपके सामने उस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है कि आप दूसरे बंदे की स्क्रीन अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।